टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे GST प्रोविजनल असेसमेंट से रिलेटेड पाँच मुख्य बातें। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोविजनल असेसमेंट GST ऑफिसर अपने आप नहीं कर सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट को करवाने के लिए रजिस्टर्ड व्यक्ति को GST ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी होती है। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोविजनल असेसमेंट को तभी अप्लाई किया जा सकता है यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति को यह नहीं पता कि जो गुड्स और सर्विस वो सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी या फिर GST का रेट क्या लगेगा। इस प्रकार दूसरे केसेस में प्रोविजनल असेसमेंट को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, यानी कि IGST चार्ज होगा या CGST या SGST चार्ज होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, या इनपुट एज क्रेडिट एडमिसिबल है, या फिर क्या पर्टिकुलर एक्शन सप्लाई है या नहीं है। इन केसेस में प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि GST ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो शैल यूज़ किया गया है। इस प्रकार GST ऑफिसर को ऑर्डर पास करना ही होगा ताकि रजिस्टर्ड व्यक्ति प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पर टैक्स पे कर सके। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजनल असेसमेंट के बाद फाइनल असेसमेंट की जाती है GST ऑफिसर के द्वारा, इसलिए रजिस्टर्ड व्यक्ति से वह बॉन्ड, श्योरिटी और सिक्योरिटी मांग सकता है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है और उसमें टैक्स पेबल आ जाता है तो जो टैक्स आपने ऑलरेडी पहले पे कर दिया है और ये जो टैक्स पे किया गया है यानी कि जो शॉर्टफॉल आया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। और यदि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के पास होने के बाद आपका रिफंड ड्यू हो जाता है तो आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं उस रिफंड पर। GST एक्ट के अंतर्गत प्रोविजनल असेसमेंट कैसे होती है इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसमें कि आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जैसे कि प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है, इसे किस प्रकार अप्लाई किया जाता है GST पोर्टल पर, किस प्रकार प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर इश्यू किया जाता है और उसके बाद किस प्रकार फाइनल असेसमेंट की जाती है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।